इंडिया की टीम को पहले वनडे में न्यूजीलैंड के हाथों 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा और इसकी सबसे बड़ी वजह थी सूर्य कुमार यादव का ना चलना। दोस्तों सूर्य कुमार यादव आउट हो गए थे 4 रन पे। मगर दोस्तों मैच के बाद बड़ा खुलासा हो चुका है, 9 गेंद पे आउट हुए थे सूर्या। आप भी जानना चाहते हो आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। इंडिया की टीम ने न्यूजीलैंड को T20 सीरीज में पहले तो 1-0 से हराया हार्दिक पांड्या की कप्तानी में। उसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज का ऐलान हुआ, जिसमें आपको भारतीय टीम की ओर से कप्तानी करते नजर आए शिखर धवन। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने बनाए थे 306 रन, जिसमें श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 80 रन की पारी खेली। शिखर धवन ने 72 रन लगाए जबकि सुमन गिल ने 50 रन लगाए। दोस्तों सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए आए थे मैदान पे। सूर्य कुमार यादव ने 3 गेंदों में मात्र 4 रन लगाए और आउट हो गए थे। दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने जिस दौरान एक चौका भी लगाया था। दरअसल आपको जानकारी के लिए बता दें 33वां ओवर लेके आए थे न्यूजीलैंड की ओर से लॉकी फर्गुसन। लॉकी फर्गुसन ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पे फिन एलन के हाथों कैच आउट करवा दिया सूर्या को। मगर दोस्तों 24 घंटे बाद जब इसको देखा गया थर्ड एम्पायर के द्वारा, तो वो गेंद तो नोबॉल थी, इसका बड़ा खुलासा हो चुका है। मगर दोस्तों अब इस मैच को लेकर के ICC क्या करेगा वो तो वही जाने। मगर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें।